रिकॉर्डिंग अभी कल की पोस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं एक आध दिन में करता हूँ सब पोस्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं तो बेसिकली उसको हम लोग ब्राइट बोलते हैं, मतलब ब्राइट बोलते हैं, ब्राइट मतलब एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं तो ब्राइट बोलते हैं। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हमने लास्ट देखे हम डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों के जो मैंने कंडीशन बताई थी इंटरफेरेंस, उसको हम लोग अगर मैं पढ़ाते समय बोलूंगा डार्क तो डार्क समझ जाना डिस्ट्रक्टिव, दैट इज डार्क, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, मतलब एम्पलीट्यूड ऐड अप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, A1 प्लस A2 हो जाता है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, A1 माइनस A2 हो जाता है। तो वो ब्राइट है, ये डार्क है, ठीक है। और इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिस वन ईयर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बताई थी, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है। वैसे याद कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ अगेन, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सपोज अगर यहां पे मैं इंटेंसिटी ले लेता हूं, लेट्स से समझने की कोशिश करो इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी मतलब अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, लुकियो, समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा मेमोराइज करने में इजी रहे। जैसे ये समझो, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे हम सपोज कर लो इंटेंसिटी को मैक्सिमम ले रहे और यहाँ पे हम मिनिमम ले ले रहे हैं। तो ये मतलब ब्राइट है, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो आप देखिएगा जीरो पे क्या मिलता था, जीरो पे हमको कंस्ट्रक्टिव मिलता है। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट, पूरा डायग्राम जो है एक सेकंड में थोड़ा ठीक कर दूं डायग्राम। चलो ठीक है। सो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम, समझा रहा हूँ, ये मैक्सिमम है मतलब इसको ब्राइट बोलेंगे, ये मिनिमम है इसको डार्क बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि कल लास्ट टाइम मैंने कंडीशन बताया था कि मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम और ये दिस इज मिनिमम। तो मैंने बोला था जो पाथ डिफरेंस होगा, एक तो जीरो पे मैक्सिमम मिलेगा, जीरो के बाद नेक्स्ट मैक्सिमम किधर मिलेगा, वो टू पाई पे मिलेगा। ये जीरो पे मैक्सिमम हो गया, नेक्स्ट मैक्सिमम जीरो के बाद लैम्डा, सर लैम्डा पे मिलेगा, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम जो है वो टू लैम्डा पे मिलेगा, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम दैट इज थ्री लैम्डा, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम फोर लैम्डा, लाइक दिस में मैक्सिमम मिलता है। अगर मिनिमम मिलना होगा तो फिर क्या होगा, मिनिमम में फिर हमारा जो है दिस वन ईयर ये लैम्डा बाय टू हो जाता है मिनिमम, ये मिनिमम मिलेगा इन दोनों का एवरेज, लैम्डा और टू लैम्डा का एवरेज थ्री लैम्डा बाय टू, फिर इन दोनों का एवरेज बीच में आएगा दैट इज फाइव लैम्डा बाय टू, फिर इन दोनों का एवरेज दैट इज फाइव फोर सेवन लैम्डा बाय टू।
तो मैक्सिमम किस पे मिलता है, मिनिमम किस पे मिलता है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। ये है पार्ट डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस की बात हो रही हो देन तो अगेन जीरो, जीरो के बाद वो टू पाई होता है, टू पाई के बाद वो फोर पाई होता है, फोर पाई के बाद वो सिक्स पाई होता है, सिक्स पाई के बाद वो एट पाई होता है, ध्यान रखना। और मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा दैट इज पाई, देन थ्री पाई, देन फाइव पाई, देन सेवन पाई। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कब मिलता है, मिनिमम कब मिलता है। ये जो हाइट, ये मैक्सिमम है बेटा और ये पॉइंट मिनिमम है। तो मैक्सिमम कब मिलता है, मिनिमम कब मिलता है, ये बात समझना है आपको ना। बॉयज एंड गर्ल्स कॉपी ऑन दिस ग्राफ, ये ग्राफ कॉपी कर लीजिए, आपको याद रहेगा कि मैक्सिमम कब मिलता है, मिनिमम कब मिलता है। कॉपी ऑन दिस वन, ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस था, ये तुम्हारा फेज डिफरेंस। ओपन दिस ग्राफ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर A1 A2 सेम ले लेते हैं तो जो तुम्हारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ना वो बताए कितनी आएगी, एक सेकंड को। अगर अगर हम लोग एम्पलीट्यूड सेम लेते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, दैट इज एक सेकंड। तो अगर एम्पलीट्यूड सेम ले रहे हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी दैट इज 4A2, और मिनिमम इंटेंसिटी आएगी जीरो इफ एम्पलीट्यूड्स आर सेम, अगर एम्पलीट्यूड सेम लेंगे। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिलती है, मिनिमम कहाँ मिलती है। आपको पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। कंडीशन, मतलब ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में आप उसको यूज करेंगे कि आपको कहाँ पे ब्राइट मिल रहा है, कहाँ पे डार्क मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम को आप ब्राइट बोलेंगे, इसको डार्क बोलेंगे, मतलब इसको हम लोग वी कैन से दिस इज ब्राइट एंड वी कैन से दिस इज डार्क। ये सब न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं आपसे, सीईटी वगैरह में, कि मैक्सिमम कहाँ मिलता है, मिनिमम कहाँ मिलता है, शुड नो इट। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, वहां हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स हो गया। हाँ सर, हो गया। ओके, नाउ सी यू।
नेक्स्ट थिंग, अच्छा यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपके बुक में नहीं है, लेकिन इसका यूज होगा इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था? वो फॉर्मूला हमने मैंने शायद नहीं पढ़ाया था आपको, वेव मोशन में था। ठीक है, तो ये वेव मोशन का जो, क्योंकि ये भी तो वेव है, हम यह क्या पढ़ रहे हैं, वेव पढ़ रहे हैं, तो वेव का जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वेव का एक फॉर्मूला था, देखो मैं समझा रहा हूँ जैसे, और ये याद करके जाना, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी बुक में यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन वेव के चैप्टर में दिया है, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कैसे यूज करेंगे सीए? ऐसे समझो कि सपोज कर लो कि दो सोर्स हैं, हम एस वन एस टू उनका नाम दे देते हैं, और दोनों सोर्स ये हैं पॉइंट पी पे आके मीट करते हैं। ठीक है, दोनों सोर्स पी के आगे मीट करते हैं, लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड ए वन है और इसका एम्पलीट्यूड ए टू है, इसकी इक्वेशन वाई वन है, इसकी इक्वेशन वाई टू है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां पर जो आएगा ना, वो आएगा बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हियर एट दिस पॉइंट यू विल गेट ए आर, ए आर मतलब, या ए बोल लो, इट्स अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, is resultant amplitude, ये वेव के चैप्टर में किया हुआ, याद रखना तुम्हारी बुक में है वेव, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, जो स्टेशनरी वेव चैप्टर है शायद वहां पर। हाँ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहां पे न्यूमेरिकल में यूज करोगे जरूरत पड़ेगी तो, A is equal to under root of A1 square plus A2 square plus, आप अगर वेव के चैप्टर में देखेंगे वहां दिख जाएगा बेटा cos phi, phi मतलब फेज डिफरेंस। मतलब phi 1 minus phi। तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें मैक्सिमम कम मिलेगा बेटा, मिनिमम कम मिलेगा? तो मैक्सिमम कम मिलेगा, एक सेकेंड, ये मैंने बताया हुआ है कि आपको इस चैप्टर में कि नहीं, नहीं बताया, लेकिन कहा मैंने, तो यहां पे देखो ध्यान से, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये मैक्सिमम में बैठ रहा है, ये मिनिमम। तो मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस वाई की वैल्यू 1 होगी, और मिनिमम कब होगा? जब कॉस वाई की वैल्यू -1। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है अगर आप इसको रख देंगे कॉस वाई की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2, और cos phi की वैल्यू -1 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा a1 माइनस a2। न्यूमेरिकल में दोनों का रेशियो आता है a max अपॉन a minimum, दैट इज a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। देखो अगर cos phi की वैल्यू बेटा 1 रखोगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और cos phi की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो आपको मिनिमम मिलेगा, यही होगा ना? तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है? दोनों एम्पलीट्यूड का एडिशन। मिनिमम क्या हो सकता है? दोनों एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, यही हो सकता है ना? तो दोनों का रेशियो पूछ लेता है एग्जाम में आपसे, तो ध्यान रखना ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का रेशियो, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, ये रहता है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, दिस इज वन थिंग। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होता है? जैसे ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वापस डायग्राम में जाते हैं, लेट्स से इसकी इंटेंसिटी है I1 और इसकी इंटेंसिटी है I2, और I यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाता है, लेट्स से इंटेंसिटी ब्राइटनेस को बताता है,
देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हाँ इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई, ये होता है फॉर्मूला। तो फिर इसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम के लिए कॉस फाई की वैल्यू वन होनी चाहिए, मिनिमम के लिए कॉस फाई की वैल्यू माइनस वन होनी चाहिए। यहां पे मैक्सिमम आ जाएगा दैट इज इक्वल टू रूट आई वन प्लस, आप रख के वैल्यू सॉल्व कर लेना, रूट आई वन कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर, और मिनिमम आता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो पूछता है, आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो ध्यान से सुनो, एक्चुअली जो ऊपर वाला एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम, तो दोनों का रेशियो ले लो, स्क्वायर कॉमन ले लो, तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट आई वन अपॉन आई टू प्लस वन, रूट आई टू कॉमन लेके रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन स्क्वायर। वैसे इंटेंसिटी आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ए वन प्लस ए टू मैक्सिमम बनेगा, ए वन माइनस ए टू मिनिमम बनेगा, दैट इज स्क्वायर। एक्चुअली देखो मैं समझा रहा हूं, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल आने चांसेस बहुत होते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो हमने ये आपको स्टार्टिंग बताया ना, ये ए वन, तो ये ध्यान रखना आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई वन इज प्रोपोर्शनल टू ए वन स्क्वायर, आई टू इज प्रोपोर्शनल टू ए टू स्क्वायर, बट द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, मिनिमम कैसे मिलेगी, दोनों का रेशियो कैसे मिलेगा। तो ये सब वेव चैप्टर का है, मैंने यहाँ पर लिफ्ट करके लाया हूँ, विदाउट डेरिवेशन आपको समझा दिया है। इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वेव में भी आते हैं और लाइट में भी आते हैं, इज इट क्लियर, कॉम्पिट दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना पड़ेगा कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, फॉर्मूला मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, उसकी मैक्सिमम मिनिमम रेशियो, ये सब याद करना पड़ेगा। इसका हेडिंग क्या है सर? एक्चुअली हेडिंग तो मैंने बोला ना, ये एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं था, मैंने लिफ्ट किया, इसको हेडिंग दे दो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये जो हेडिंग है ये लिख दो इसके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसका फेज फाई वन है, इसका फेज फाई टू है, y जो है फेज डिफरेंस है।
आप वेव के चैप्टर में जाएंगे ना, बोर्ड्स में है तुम्हारे ये, तो वेव के चैप्टर में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, रुक जाओ, आपको बोर्ड्स का पेज नंबर बता देता हूँ, इस पेज पे है, इधर पे है, वेव ये पेज नंबर 136 पे है, 136, लेकिन वहां पे भी है और यहाँ पे भी यूज किया है, हाँ यस, इट इज ऑन पेज नंबर 136, बट रिमेम्बर ये इसमें भी यूज होता है और इसमें भी दिया, दोनों जगह नहीं दिया जाता है, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, कि एक ही चीज दो जगह क्यों पढ़ेंगे, पेज 136 पे दिया हुआ है आपके वेब के चैप्टर, लेकिन वो लाइट में भी यूज होता है, लाइट इज ऑल्सो वेब ना, तो वहां पे भी यूज होता है, स्क्रॉल डाउन सर, या हो गया, स्क्रॉल करें बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज वन थिंग याद रखना है सब, ठीक है, कुछ भी न्यूमेरिकल में आ जाता है, yes now
नेक्स्ट एक वर्ड होता है वो याद रखना. अच्छा जस्ट हाँ कोरेंट सोर्सेस. ओके नाउ ये कोरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ध्यान से समझिए कि हम दो सोर्सेस को कोरेंट सोर्सेस बोल सकते हैं लेकिन कंडीशन के साथ. टू सोर्सेस, टू डिफरेंट सोर्सेस यू कैन से टू होगा टी डब्ल्यू हो. टू सोर्सेस आर सेट टू बी कोहरेंट, are said to be coherent, coherent if phase difference between them, if phase difference between them either zero or constant. मतलब क्या बोल रहा है कि कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ये होता है दैट इज फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए और या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. सम टाइम दे आस्क इन एमसीक्यूज कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन क्या होती है, तो एक कंडीशन याद रखना या तो फेज डिफरेंस आइदर फेज डिफरेंस इज जीरो, आइदर फेज डिफरेंस इज जीरो और इट इज कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. ओके वन मोर थिंग, एक बात याद रखना, दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ये हमेशा ध्यान रखना. टू डिफरेंट सोर्सेस, two different sources of light cannot be coherent. मतलब एक तो बोल रहा है coherent चाहिए, coherent में phase difference या तो zero होना चाहिए या फिर constant होना चाहिए, और दो source बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि दो अलग अलग source कभी coherent नहीं हो सकते. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल भी आता है, माइंड में फिट रखना इसको. दे आस्क इन योर सीईटी में कुछ वगैरह पूछ सकते हैं कि कोहेरेंट, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, ऑप्शन तीन चार डाल दिए तो याद रखना आइदर फेज डिफरेंस इज जीरो और कांस्टेंट. अब हम लोग आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट था वाई डी एस ई, वाई डी एस ई, ये क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, डेरिवेशन वाइज प्रॉब्लम वाइज, मतलब बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये चैप्टर का मेन पार्ट है. समझ This is the main content of this chapter. YDSE, Young's Double Slit Experiment. जब numerical आएगा ना तो they will say only YDSE. या बोल देंगे double slit. तो double slit समझ जाना यही होता है double slit. जरूरी थोड़ी ना पूरा नाम लेके आपको बताएंगे. Is it clear? The Young's Double Slit Experiment. इसको समझने की कोशिश करिए. आपने complete कर लिया सब? तो मैं proceed करूँ इसको. हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए कोहेरेंट सोर्स. आपने पेपर डिस्कस नहीं किया. आवाज बोलिए बोलिए. पेपर डिस्कस नहीं किया आपने. आवाज साफ नहीं आ रही, क्या डिस्कस करना है?
सर पेपर डिस्कस नहीं किया आपने? कौन सा पेपर? इस बार का संडे वाला? नहीं, संडे वाला इसलिए डिस्कस किया, शायद सेम क्वेश्चन आए थे ना वो, कि डिफरेंट थे थोड़ी। अच्छा ठीक है, डिस्कस कर देते हैं। रुको, अभी तो स्टार्ट कर दिया मैंने, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, दिस वीक, दिस वीक ओनली डिस्टर्ब करते, तो डिस्कस कर लेता हूँ, सेकंड हाफ में देखते हैं, फिर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था क्या कि लेट्स से देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, आप यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट ले लीजिए इधर, लेट्स से इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ले ले रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग ये पॉइंट सोर्स है, लेट्स से इट्स अ पॉइंट सोर्स, इट्स अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और यहां पे हम स्लिट ले लेते हैं, आपने ये जो सिंगल स्लिट लग रही है ना, ये बना लेते हैं ना दो स्लिट, और इधर हम लोग स्क्रीन ले लेते हैं, ये है स्क्रीन, ये है डबल स्लिट। ये है सोर्स, पॉइंट सोर्स लिया है, सोर्स ऑफ लाइट, ये दो स्लिट है, इसको हम एस वन बोल सकते हैं, इसको एस टू बोल सकते हैं, दीज आर द टू स्लिट्स। हम एक्चुअली कोहेरेंट सोर्स चाहिए, और ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट, दो डिफरेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो एक ही सोर्स से बनाया जाता है फिर कोहेरेंट सोर्सेस। तो होता क्या, रुकिए, अब यहां से सपोज कर लो स्फेरिकल पॉइंट सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव आपको बताया था, स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको यह बताया था, हमने आपको स्फेरिकल वेव बताया था, स्फेरिकल वेव्स क्या होते हैं, और जब हम आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में स्टार्ट किया था मैंने, तो आपको मैंने बहुत कुछ बताया था जैसे स्फेरिकल वेव, हाँ ये देखो स्फेरिकल वेव्स ऐसी होती, तो पॉइंट सोर्स से फिर स्फेरिकल वेव स्टार्ट होंगी हमारी। ठीक है, पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव स्टार्ट होंगी, तो लेट्स से वेव स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से स्फेरिकल वेव स्टार्ट होंगे लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, जब यहां आती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट इसमें चला जाता है और एक पार्ट इसमें आ जाता है, फिर ये दोनों आगे जाके यहां पर कहीं पर मीट करती हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जाके मीट कर जाती है, इधर मीट करती है स्क्रीन पे, यहां पे दोनों का इंटरफेरेंस होता है। आप कहेंगे व्हाट डू मीन बाय इंटरफेरेंस, तो ध्यान सुनो कि यहां पे बैंड्स मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं मतलब देखो ध्यान से समझो, यहां पे आपको बैंड्स मिल जाए, सेंटर जैसे मान लो, समझा रहा हूं, सेंटर पे ब्राइट मिलती है, फिर मिलेगी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से आपको बैंड्स मिलेंगे, एक पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन।
इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? डार्क एंड अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ डार्क और ब्राइट बैंड ऑफ इक्वल थिकनेस, इसको विथ बोलते हैं। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, लिसन हियर, ये तुम्हारा हो गया ब्राइट, डार्क, देन अगेन ब्राइट, देन अगेन डार्क ऑन बोथ द साइड्स। देखिए सेंटर पे हमेशा ब्राइट बनेगा, ये बात ध्यान रखना, दोनों तरफ जाता है, देन डार्क देन ब्राइट, लाइक दिस वे। हैव यू अंडरस्टूड द इंटरफेरेंस पैटर्न बॉयज एंड गर्ल्स? कॉपी ऑन दिस वन, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं जरा। कॉपी करना? हाँ कर लो बेटा, कॉपी करना है, ये सब सिलेबस का पार्ट है, जो भी लिखा होगा उसको कॉपी कर लिया करो।